हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एनालिटिकल वीडियो में जिस स्टॉक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है L&T ग्रुप की टेक्नोलॉजी कंपनी LTTS, यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। ये लास्ट ट्रेडिंग डे में 2900 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला था। इसके 52 वीक हाई की बात करें तो ये तकरीबन 3100 के आसपास देखने को मिल रहा है, वहीं 52 वीक लो तकरीबन 1200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये अपने 52 वीक हाई के आसपास जाकर के ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके परफॉर्मेंस के आधार पर, प्राइस परफॉर्मेंस के आधार पर, कि L&T टेक्नोलॉजी के जो फंडामेंटल्स होंगे वो मजबूत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार एक लेमैन की भाषा में शेयर रिलेटेड जानकारियाँ रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके सामने लेकर के आता रहता हूँ और अपनी जानकारी रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और LTTS के टेक्निकल चार्ट पर एक बार नज़र डालते हैं। LTTS के टेक्निकल चार्ट को देखने से ये पता चलता है कि LTTS काफ़ी बुल फेज में चल रही है और अभी वर्तमान में ये देखिए अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है इस शेयर को लेकर के, कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए, किधर जाए, ये इन्वेस्टरों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके ग्राफ से ये भी पता चल रहा है कि लोग इसे टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा इसके ग्राफ से भी पता चल रहा है। क्योंकि जब जब ये नीचे आता है फिर इसमें बाउंस बैक आ जाता है और ये अपने उच्चतम स्तर पर चला जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न इसके चार्ट पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके फिनेंशियल को चेक करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी LTTS के 21% देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 30% देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग 74%, ये बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20 times, यानी कि ये कंपनी अपने डेट को पे करने में पूरी तरह से सक्षम है। डेट इक्विटी 0, इस कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी डेट नहीं है। डिविडेंड यील्ड तकरीबन 1% के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो फिनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर में LTTS एक मजबूत फंडामेंटल वाले कंपनी के रूप में सामने उभर करके आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो पास्ट के रेवेन्यू ग्रोथ हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हैं, वो कैसे देखने को मिले हैं। लास्ट 5 years में इनके सेल्स ग्रोथ 12% CAGR से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं, वहीं पर इनके प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 years में 9% से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। और अगर लास्ट 3 years की बात करें तो लास्ट 3 years में इनके सेल्स ग्रोथ 13% से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 9% से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं और स्टॉक प्राइस का ग्रोथ 33% देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी अपने सेल्स ग्रोथ को लगातार कर पा रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 9% के आसपास ये रख पा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके जो एनुअल रिजल्ट आए हैं रिसेंट के, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि FY21 में इनके सेल्स जो हैं हम लोगों को डाउन होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि डीग्रोथ हुआ है। और वहीं पर इनके जो नेट प्रॉफिट हैं इसमें भी हम लोगों को डीग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और बाकी समय की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाकी समय में इनके जो सेल्स हैं वो लगातार हाई ग्रोथ फेज में चल रहे थे, वहीं पर इनके नेट प्रॉफिट भी काफ़ी हाई ग्रोथ में चल रहे थे। तो इधर में FY21 में इनका थोड़ा डीग्रोथ देखने को मिल रहा है
और यही कारण है दोस्तों कि इसके जो प्राइस पैटर्न जो बन रहे हैं उसमें इनडिसिसिव मोड का झुकाव ज़्यादा है। तो अब क्या हो सकता है, एलटीटीएस को हम लोग ऑटो सेक्टर की प्रॉक्सी कंपनी के रूप में देखते हैं, हालांकि ये आईटी सेक्टर की कंपनी के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसके जो सर्विसेज हैं वो ऑटो सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसके रेवेन्यूज हैं ऑटो सेक्टर से ज़्यादा आते हैं। इस वजह से हम लोगों ने अभी देखा कि इनके जो रेवेन्यू हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होते हुए देखे, नेट प्रॉफिट भी कम होते हुए देखे, जबकि बाकी आईटी कंपनियों के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। तो यही कारण है कि इसको हम लोग ऑटो सेक्टर का प्रॉक्सी मान करके चलते हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इसके थोड़ा सा जो बैलेंस शीट पर रिजर्व बढ़ रहे हैं या नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके रिजर्व लगातार हाई ग्रोथ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल तो अभी तक हम लोग ये जान लिए हैं कि एलटीटीएस के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और जब भी ऑटो सेक्टर ग्रोथ में आएगा तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग रिटर्न देख लेते हैं कि ये कंपनी अपने निवेशकों को अभी तक रिटर्न दे पाई है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट 3 इयर्स में 137% का रिटर्न दिए, यानी कि पिछले 3 साल में इसने अपने निवेशकों का पैसा 2.3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो रिटर्न के मामले में तो ये काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो अब हम लोग सीधे आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर, ये टेक्निकल चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है। तो ये दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं एलटीटीएस के, और मंथली चार्ट के हिसाब से ये हायर हाई बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग टारगेट लगाने की बात करें कि इस कंपनी में कौन से टारगेट हम लोग देख सकते हैं आने वाले दिनों में, तो इसके बुलिश पैटर्न को देखते हुए जो इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा इस स्टॉक में वो 3050 के आसपास देखने को मिलेगा। और जब भी ये स्टॉक 3050 को पार करेगा तो इसमें काफ़ी तगड़ी रैली देखने को मिलेगी, जो कि इस स्टॉक को 4215 के आसपास अवश्य ले जाएगी, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये एनालिटिकल वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी भी राय एलटीटीएस के बारे में कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।